नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से। पुलिस और पशु तस्करों में के बीच मुठभेड़ हुई है। पशु तस्कर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, एक सिपाही भी मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाशों से कार और तमंचा मौके से बरामद हुआ है। सफदरगंज के मुश्किल नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास की ये पूरी घटना है। तो बाराबंकी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में पशु तस्कर गोली लगने से घायल हो गया है। एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हुआ है, और बदमाशों के पास से कार और तमंचा बरामद हुआ है। सफदरगंज के मुश्किल नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास की यह पूरी घटना है। तो पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मी वो घायल हुआ है, और पशु तस्कर के पास से कार और तमंचा बरामद किया गया है। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और हमारे संवाददाता रेहान जुड़ चुके हैं इस पे। रेहान, क्या कुछ जानकारी आपके पास, पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है? जी बिल्कुल अब्दुल, बताना चाहूंगा कि लगातार जो पशु तस्कर हैं वो लगातार तस्करी कर रहे हैं। पुलिस उन पे नकेल कसने की पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पशु तस्कर हैं वो पशु तस्करी कर रहे हैं। वहीं आज बाराबंकी के सफदरगंज में पशु तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई है, और मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही और पशु तस्कर घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और साथ ही साथ पुलिस जो है आगे की कार्रवाई भी कर रही है। रेहान, जो तस्करी करने वाले ये लोग कहाँ के और कहाँ पर जा रहे थे? अब्दुल, बिल्कुल, ये पशु तस्कर जो हैं अभी इनकी जानकारी नहीं हो पाई है कि ये कहाँ के हैं, लेकिन ये सफदरगंज से जंगल की ओर तस्करी करके पशु ले जा रहे थे, जहां पर पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है, और पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय होकर घेराबंदी करती है, और जो तस्कर हैं वो जवाबी कार्रवाई में उनके ऊपर फायर झोंक देते हैं। तभी एक सिपाही को भी गोली लगती है, और साथ ही साथ जो पशु तस्कर है वो भी घायल हो जाते हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और एक पशु तस्कर वो घायल हुआ है। वहीं बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जमीनी विवाद में मारी गई गोली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जाडाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां जमीनी विवाद को लेकर गोली चली है, और इस गोलीकांड में एक युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं कासगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कासगंज में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। गांव के ही युवक पर लगाया गया है दुष्कर्म का आरोप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कासगंज से खेत में जबरन ले जाकर युवक ने दुष्कर्म किया है, तमंचा लहराते हुए धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। बीते 2 फरवरी को बताई जा रही है ये पूरी घटना, यानी कि 2 फरवरी को यह घटना हुई थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया है, और पीड़िता को थाने से भगाने का आरोप लगाया गया है। 20 दिन बाद कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। कासगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे, 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है, गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बजट के बाद अर्थव्यवस्था समीक्षा पर यह बैठक बुलाई गई है, और यूपी बजट पेश होने के बाद अर्थव्यवस्था के लिए यह बैठक बुलाई गई है। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक होगी। बैठक में सीएम के आर्थिक सलाहकार केवी राजू भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है, बजट के बाद अर्थव्यवस्था समीक्षा पर
ये बैठक बुलाई गई है। यूपी बजट पेश होने के बाद अर्थव्यवस्था के लिए ये बैठक होगी। और 11 बजे सत्र की कार्रवाई में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे सत्र की कार्रवाई में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होगी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी 6 बजे 5 KD मार्ग पर ये बैठक करेंगे। वित्त विभाग और नियोजन विभाग के साथ बैठक होगी। तो 11 बजे सत्र की कार्रवाई के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और बजट के मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। तो 6 बजे 5 KD मार्ग पर यह बैठक होगी। वित्त विभाग और नियोजन विभाग के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद, 11 बजे सत्र की कार्रवाई में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें कि ये बजट जो सबसे बड़ा बजट जो पेश करने के बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने जो है बैठक आज 11 बजे से शाम को 6 बजे तक ये बैठक चलेगी। आपको बता दें, इस बैठक में जो है अर्थव्यवस्था को देखते हुए इस पे चर्चा होगा और इकोनॉमिक जो है उसमें जो है इकोनॉमिक डॉलर की बात हो रही थी कि इसमें इकोनॉमिक डॉलर $100 जो है वो बनाने की जो है प्रक्रिया जो है इसमें चर्चा होगा इसके बारे में भी। शमशाद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे सत्र की कार्रवाई के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और विधानसभा में बजट के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लोहिया संस्थान को 492 करोड़ रुपए का बजट का तोहफा दिया गया है। लोहिया संस्थान में बनेगा न्यूरो साइंस सेंटर। बड़ी खबर, गरीब मरीजों को मिलेगा फ्री में इलाज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा तोहफा योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 492 करोड़ रुपए का बजट का तोहफा सरकार से मिला है लोहिया संस्थान को और गरीब मरीजों को फ्री में इलाज मिलेगा। शमशाद, एक बड़ा तोहफा दिया है सीएम योगी ने लोहिया संस्थान को, गरीबों को फ्री में इलाज मिलेगा। जी, इसमें जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जो है 492 करोड़ रुपए का जो है बजट दिया है, जिसमें यूरो साइंस जो है हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें गरीबों को फ्री इलाज होगा, जिससे जो है लोगों को काफी राहत इससे मिलेगा इस बजट योजना से। तो शमशाद, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधा की जो लोग बात करते हैं कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है इससे जो है स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी? जी, आपको बता दें कि ये जो फैसला योगी सरकार ने जो लिया है, इससे लोगों को कहीं ना कहीं इससे जो है लोगों को बहुत राहत फील होगी, क्योंकि जब फ्री इलाज होगा तो लोग जो है लोहिया हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाएंगे। जो गरीब हैं, जो इलाज नहीं करवा पाएंगे, उनका भी मुफ्त में यहाँ पे इलाज होगा, इसलिए ये जो है न्यूरो साइंस सेंटर जो है ये बनाया जा रहा है। ठीक है, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो लोहिया संस्थान को बड़ा तोहफा सीएम योगी ने दिया है, 492 करोड़ रुपए का तोहफा सीएम योगी से लोहिया संस्थान को मिला है और फ्री में गरीबों का इलाज भी हो सकेगा, इस पर भी ध्यान दिया गया है। और दिल्ली लाल किला हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दीप सिद्धू की आज खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को मिली थी 7 दिन की रिमांड, जो कि आज खत्म हो रही है और आज दीप सिद्धू को कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज पुलिस फिर करेगी कोर्ट से रिमांड की मांग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के लाल किला हिंसा का ये पूरा मामला है, जहां दीप सिद्धू की आज रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली थी, जो कि आज खत्म हो रही है और आज दीप सिद्धू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंदन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चंदन, दीप सिद्धू की रिमांड आज खत्म हो रही है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 26 जनवरी जो हिंसाकांड में दीप सिद्धू मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए थे और इन पर आरोप था कि इन्होंने किसानों को जो है भड़काने का जो है पूरा काम किया है, जिसकी वजह से इस तरीके का
जो लाल किले पे जो हिंसा हुई वो कहीं ना कहीं इन लोगों को दोषी पाया गया, जिसके चलते जो है दिल्ली की जो इसके पुलिस की जो स्पेशल टीम है उन्होंने इनको रिमांड पर लिया था और इनसे कई जरूरी जो है जो जांच थी वो की गई, इनको उस घटनास्थल पर भी ले जाया गया और कई तरीके की पूछताछ की गई है। कहीं ना कहीं आज इनको जो कोर्ट में पेश किया जाएगा तो दिल्ली पुलिस जो है प्रयास करेगी कि इनकी रिमांड को बढ़ा करके और तथ्यों को जो है पुलिस जो है और रिमांड बढ़ाने के बाद इनको इनको जो है और जांच। चंदन, क्या कुछ वजह है कि पुलिस आज कोर्ट से फिर रिमांड की पेशकश करेगी? जी, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जो दिल्ली पुलिस है वो फिर इनकी रिमांड बढ़ाने के लिए जो है दिल्ली कोर्ट से जो है अपील करेगी और कहीं ना कहीं संभवतः हो सकता है कि इनकी जो रिमांड है वो पुलिस के लिए कोर्ट बढ़ा भी सकती है। ठीक है, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो दीप सिद्धू को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और 7 दिन की जो रिमांड थी दीप सिद्धू की वो आज खत्म हो रही है और पुलिस कोर्ट से आज फिर रिमांड की मांग कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अंबेडकर नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर, तेज रफ्तार वाहन से किसान को टक्कर मारी गई, हादसे में किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। खेत की सिंचाई कर घर वापस जा रहा था किसान। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के राजेपुर की यह पूरी घटना है जहां अंबेडकर नगर में किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसे में तेज रफ्तार वाहन के टक्कर से किसान की मौत हुई है और हादसे में किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। खेत की सिंचाई कर वापस घर जा रहा था किसान जिस दौरान यह हादसा हुआ है। वही मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 2 दिवसीय दौरा आज 10:45 पर विश्वविद्यालय के हेलीपैड पहुंचेंगी और 2:05 पर महिला स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक करेंगी। बैंक प्रबंधकों से विश्वविद्यालय परिसर में ये बैठक करेंगी। टीवी ग्रसित बच्चों को गोद लेने वाले लोगों से मुलाकात भी करेंगी। योगी सरकार ने विधानसभा में अपना अंतिम और 5वां बजट पेश किया। इसके बाद अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बजट पेश होने के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों में घमासान शुरू हो गया है। विपक्षियों ने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं जनता भी इस बार के बजट से अपने मुद्दों की सरकार चुनने की तैयारी में है। देखिए बजट पर हमारी एक खास रिपोर्ट और इसी रिपोर्ट के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं, उसके बाद आप नजर डालिएगा सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में समाज के सभी हिस्सों के लिए खजाना खोल दिया है। नाथ सरकार के इस बजट में किसानों, महिलाओं, मजदूरों, छात्रों और उद्योग जगत के लिए बड़ी योजनाओं और राहतों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार का 5वां और पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट की खास बात यह रही कि यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा है, जिसमें सत्र का कुल बजट 5,50,770 करोड़ का है। योगी सरकार के 5वें पूर्ण बजट के साथ ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नया इतिहास रचा दिया है। भाजपा सरकार के योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनकी देखरेख में लगातार 5वीं बार बजट पेश हुआ है। वही केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी अपना अंतिम बजट डिजिटल तौर पर पेश किया है। बजट का 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। साथ ही बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 2 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही काम के हिसाब भुगतान करने की बात कही गई है। योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ साथ उनके लिए कई योजनाओं की सौगात दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सूबे की योगी सरकार ने किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक सम्मिलित विकास योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा गया है। योगी सरकार ने सूबे में रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों के लिए 5 लाख का बीमा बटाई किसान भी योजना में शामिल है। गन्ना किसानों को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार ने गन्ना किसानों के लिए 1,23,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मूल का भुगतान कराया था। दूसरी सरकारों से 27,785 करोड़ रुपए ज्यादा गन्ना मूल का भुगतान किया गया। इसके अलावा प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों के विकास के लिए स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता प्राप्त की जाएगी तथा ब्रीड इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल योगी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट था। यही वजह रही कि योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करती दिखी है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन और महापंचायतों में विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र की मोदी सहित योगी सरकार पर जमकर हल्ला बोल रही है। विपक्ष सूबे भर में किसान पंचायत करके योगी सरकार और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। वहीं पश्चिम यूपी के किसानों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी देखा गया है। वहीं इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। बजट में महिलाओं के लिए एक नई योजना महिला सामर्थ्य योजना की घोषणा की गई है और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट पेश होते ही बजट को लेकर पक्ष विपक्ष में रार छिड़ गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार पर जमकर हमला बोला। घोर निराशाजनक, किसानों को छलने वाला, नौजवानों को ठगने वाला, मध्यम वर्गी और आम आदमी को पूरी तरह हताशा और निराशा इस बजट से हुआ है। किसान परेशान है, आय दोगुने की बात की गई है, खाद का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, लेकिन 1 रुपया बजट में कहीं प्रावधान किसानों के फसल के लिए नहीं हुआ है। 10,000 करोड़ से अधिक बकाया है। एमएसएमई उद्योगों के लिए कोई इस बजट में प्रावधान नहीं। नौजवानों के रोजगार के साथ तो इतना बड़ा मजाक किया गया है कि कोई भर्ती की सुनिश्चितता नहीं की गई कि 1 साल में कितनी भर्तियां की जाएंगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश का हालात है, जिस तरह इस बजट को प्रदर्शित किया गया है, पूरी तरह उत्तर प्रदेश की जनता को हताशा। महिला सुरक्षा की बात की गई इसमें,
देखिए महिला सुरक्षा के नाम पर किस तरह यह सरकार कर रही है पूरा देश जानता है। एनसीआरबी का रिकॉर्ड देख लेंगे तो महिला अपराध में नंबर एक स्थिति पर है, लूट में नंबर एक है, हत्या में नंबर एक है, छिनैती में नंबर एक है। जिस सरकार का अपना ढांचा और उसके अंदर रहने वाले लोग ही इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व हों, उनसे आप उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कल्पना करें। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी पिछले 4 साल से प्रदेश में शासन कर रही है। ऐसे में अब जब चुनावी साल करीब है तो बीजेपी का फोकस फिर से सत्ता में वापसी का है। बीते कुछ वक्त में योगी सरकार लगातार सपा बसपा और कांग्रेस के निशाने पर रही है, जिसके बाद योगी के अंतिम बजट में समाज के हर समुदाय हर हिस्से को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। माननीय योगी जी ने अपनी सरकार के 5वें साल में ये उत्तर प्रदेश के विकास का बजट है, उत्तर प्रदेश की तरक्की का बजट है और जिस प्रकार से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की की बजट पेश किया, इसके लिए हम बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे रोजगार बढ़ेगा, इससे किसानों की तरक्की बढ़ेगी, नौजवानों को रोजगार मिला है और किसानों को बड़ी सुविधाएं मिली हैं, महिलाओं के लिए भी विशेष है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास के ऊपर ध्यान दिया गया है, वहीं बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले इसका भी ध्यान दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया इस सरकार ने और पुनः स्वास्थ्य के अंदर बड़े परिवर्तन के लिए सरकार ने बड़ा बजट दिया। सर, जिस तरह से केंद्र ने बजट पेश किया था अभी और अभी आपने बजट पेश किया, प्रदेश सरकार ने पेश किया, तो खासकर किसानों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से किसान का आंदोलन लगातार चल रहा है तो बजट से किसानों को आप खुश कर पाएंगे? नहीं, देखिए जो आंदोलन चल रहा है उसका और बजट से कोई संबंध नहीं है। आंदोलन कुछ चंद लोगों का है और एक बजट किसानों के लिए उपयोगी बजट है और पहले भी हमारी सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। आप 2017 को देखिए, 2017 में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने किसानों के लिए जो मैनिफेस्टो में कहा था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, उन्होंने 2017 में 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया था। उन्होंने कहा था कि हम शुगर मिलों को चलाएंगे और गन्ना मूल्य भुगतान करेंगे। 4 सालों में उन्होंने 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया। उन्होंने पिपराइज की शुगर मिल चलाई, उन्होंने मुंडेरवा की शुगर मिल चलाई, उन्होंने मोइनुद्दीनपुर की शुगर मिल चलाई, उन्होंने रामाला शुगर मिल की क्षमता 500 करोड़ रुपए दे के बढ़ाई। यही नहीं, 10 अन्य शुगर मिलों की भी क्षमता बढ़ाई। उन्होंने कहा था हम किसानों के लिए शुगर मिल बोने के लिए प्रेरित करेंगे और उन्होंने शुगर मिल में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उन्होंने कहा हम धान गेहूँ की खरीद करेंगे, 56,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है इस साल। उन्होंने कहा था हम किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, इस वर्ष उन्होंने किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क सिंचाई मिले इसके लिए उन्होंने योजना बनाई है, खाद और बीज के लिए योजना बनाई। आपने देखा होगा 4 साल के अंदर कहीं भी किसानों को खाद और बीज के लिए भटकना नहीं पड़ा। पिछली सरकारों में किसानों को खाद और बीज के लिए डंडे मिलते थे, हमारी सरकार में किसानों को खाद और बीज उनके घरों तक मिले हैं। मैं कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश का किसान अपनी आय दूनी करने में सफल होगा। अखिलेश यादव जी का कहना है कि गंगा साफ नहीं हुई है लेकिन बजट जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है, उनका आरोप है। देखिए अखिलेश यादव जी को एक बार उस बात का जवाब देना चाहिए जो वो रोज़ घरों में बैठ के ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जब घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें विकास दिखाई देगा। वो एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने 3-3 एक्सप्रेसवे बनाया। वो एक मेट्रो की बात करते हैं, हम 2-2 मेट्रो आगरा और कानपुर में चला रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। वो 18 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, हम 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। हम उद्योग की बात कर रहे हैं, हम ODOP की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में मात्र 2,03,000 नौकरी 5 साल में मिली थी और हमारे सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने 4 साल में कहूँगा, जिसमें 1 साल कोरोना काल गया है, हम 3 साल उसको कह सकते हैं, 3 साल में उन्होंने 4.25 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। अखिलेश यादव एक बार अपने कामों पर विचार किया, उन्होंने जो भ्रष्टाचार का विकास किया था वही विकास उनको दिखाई देता है।
हम जो उत्तर प्रदेश की आम जनता की तरक्की की बात कर रहे हैं वो उनको नहीं दिखाई देता, वो सैफई और इटावा को देखते थे। हमारे मुख्यमंत्री ने क्या देखा? अगर उन्होंने पूर्वांचल को पैसा दिया तो उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे को भी पैसा दिया, उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पैसा दिया, उन्होंने अगर सरयू नहर परियोजना को पैसा दिया तो उन्होंने गंगा नहर परियोजना को भी पैसा दिया, उन्होंने बाणसागर परियोजना को पूरा किया। यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है। ये सरकार पहले बजट का हिसाब दे तब जाकर ये बजट पूरा करे वो। देखिए विपक्ष के पास कुछ कहने को है नहीं, विपक्ष अपने 5 साल के कार्यकाल का मूल्यांकन करे और जो 4 साल बीता है वो विपक्ष कोरोना काल में कहाँ था, अखिलेश यादव कहाँ थे, जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद हैं, 8 महीने के कोरोना काल में एक बार जिन लोगों ने वोट दिया था उनके घर तक नहीं गए, उस आजमगढ़ तक नहीं गए। जो डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद थी एक बार कन्नौज तक नहीं गई, एक बार उनको उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता की तो बात छोड़िए, उनको आजमगढ़ और कन्नौज का हिसाब देना पड़ेगा। योगी सरकार ने अपने अंतिम बजट को बेहद खास बताया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार का वर्ष 2021-22 का बजट 24 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुखी और सर्वसमावेशी बजट है। यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करेगा। ईज ऑफ लिविंग को आसान करने के लिए बजट से हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क, हर खेती को पानी और हर हाथ को काम और हर गांव को डिजिटल बनाने का संकल्प पूरा होगा। वहीं हमारे सहयोगी अब्दुल करीम ने जनता से बजट पर राय ली और आम जनता से जानने की कोशिश की कि कितना किफायती है ये बजट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2021-22 का आज बजट पेश किया है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज बजट को पेश किया है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, बीजेपी कार्यालय के ठीक पीछे हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब ये बताइए, बजट पेश किया गया आज, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो बजट पेश होते हैं या जो पेश हुए हैं तो उसमें कितने वादे पूरे हो पाएंगे? बजट बहुत बढ़िया पेश हुआ है, गरीबों का को ध्यान में रखते हुए और नौजवानों को ध्यान में रखते हुए, कोरोना काल से की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है। इससे पूरे प्रदेश का उत्थान होगा, विकास होगा और लगभग सभी लोग इससे लाभान्वित हैं। आपको लग रहा है कि जितने बजट पेश होते हैं तो उसमें से सारे वादे पूरे होते हैं, जो सरकार कहती है वो करती है, आपको लग रहा है ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जो पहले होता था नहीं होता था, लेकिन इधर तो मैं देख रहा हूँ जब से मोदी जी और योगी जी की गवर्नमेंट बनी है तब से ये जो लोग बजट पेश करते हैं उसका पूरा पूरा पालन करते हैं और पूरा ध्यान में रखकर ही बजट की व्यवस्था करके बजट पेश करते हैं। बात करेंगे भाई साहब, जो बजट पेश किया गया है आज, जो योगी आदित्यनाथ का जो 5वां बजट पेश किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बजट बहुत ही सराहनीय पेश हुआ है, बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो गरीबों के हित में है, किसानों के हित में है, आम नागरिकों के हित में है। आपको लग रहा है कि सारे वादे पूरे हो पाएंगे? जिस तरह से लगातार कई बार बजट पेश होते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। देखिए वादे पूरे होने के लिए समय चाहिए, समय मिलेगा तो वादे जरूर पूरे होंगे, समय नहीं मिलेगा तो आगे। विपक्ष का सवाल है कितना पैसा कहाँ से आएगा, ये विपक्ष पूछ रहा है। विपक्ष पूछ रहा है इतना पैसा कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, तो विपक्ष भी जानता है कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा तो अपने देश से ही आएगा ना, बाहर से थोड़ी आएगा। जो अन्य योजनाएं लाई जा रही हैं, हमारे विदेशी पर्यटक आ रहे हैं हमारे देश में और उद्योगपति भी आ रहे हैं, तो पैसा वहाँ से आएगा, उद्योगों से आएगा। भाई साहब इस बजट को आप किस तरह देखते हैं? इस बजट के लिए आपको काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी और विश्वास करें कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, परिणाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन सवाल तो यही उठता है, हमेशा बजट पेश होते हैं और चाहे जो सरकारें हैं बजट पेश करती है लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाते जो बजट में जो कहा जाता है। अगर हम बात करें तो ऐसा कोई जो वादे हैं इनके कभी वादे टूटते नहीं हैं और आपने कोरोना काल में भी देखा जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया और जिस तरह से पब्लिक को राहत पहुंचाई, जिस तरह से जो है स्वास्थ्य सेवाओं को रिज्यूम किया,
ऐसा नहीं है कि इनका बजट कहीं से फेल होता दिखेगा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो लगातार वो आसमान छू रहे हैं, तो टैक्स की बात करें तो सरकार क्यों टैक्स कम नहीं कर रही? टैक्स का भी देखिए वो इंटरनल मैटर है और उसको वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल करेंगे। जिस तरह से आपने देखा खाद्य पदार्थों में भी उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। भाई साहब ये बताइए जो बजट पेश किया गया है तो इसको किस तरह देखते हैं? सरकारी है, बजट ठीक नहीं है, बजट नहीं ठीक। क्या कमियां आपको दिखाई पड़ी? अरे ना हम लोग का टैक्स किया ना कुछ किया, वो इसी को रिपीट कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ? स्लेब भी नहीं बदला और अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या करते हो साहब? हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में हैं। हाँ पोस्ट ऑफिस ये नहीं, कैसा होना चाहिए था बजट आपके हिसाब से? हमारे में तो टैक्स रिलीफ देना चाहिए और उसको क्या कहते हैं हर गवर्नमेंट करती है, आए वो कुछ नहीं किया, वैसे रिपीट कर दिया, वो जो टैक्स दे रहे हैं टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपके हिसाब से जो बजट पेश किया गया है वो सही नहीं है? नहीं दे बिल्कुल सही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बजट बहुत ही सही है, जिस तरह से वित्त मंत्री आज सुरेश खन्ना ने कहा कि ये सबसे बड़ा बजट है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बजट सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वो इस बजट से संतुष्ट नहीं है।